सब्सक्राइब कीजिए फुटबॉल जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों आप देख रहे हैं अपना फुटबॉल जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा स्लाइडिंग वार्डरोब और अपना टीवी पैनल का डिज़ाइन और उसमें अपना ड्रेसिंग का भी डिज़ाइन। तो जैसे हमारा बेडरूम के अंदर डिज़ाइन बनते हैं तो वो किस तरीके से बनाना चाहिए अगर आपको लेटेस्ट बनाने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा लेटेस्ट डिज़ाइन और अच्छा डिज़ाइन आप दे सकते हैं स्लाइडिंग वार्डरोब का भी, अपना टीवी यूनिट का भी। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे स्लाइडिंग वार्डरोब बनानी है तो जैसे अभी तो इसमें काम चल रहा है, बाकी इसकी जो लेमिनेशन है वो बाद में हम दिखाएंगे इसको हटाने के बाद। ये देख सकते हैं 3 डोर्स की स्लाइडिंग वार्डरोब है और अंदर से अगर आपको पार्टीशन देने हैं तो अपने हिसाब से दे सकते हैं आप। जैसे आपको खाने बनाने होते हैं तो 15-15 इंच के आप बॉक्स बना सकते हैं, जैसे आपको सामान जैसे हमारा कपड़े लगा के जो तय लगाई जाती है तो उसके हिसाब से जो सामान हमारे स्टोरेज के हिसाब से ज़्यादा आ जाना चाहिए उसके हिसाब से आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। जैसे आपको हैंगर रोड लगानी है हैंगर रोड लगा सकते हो उसमें। तो अपने जो ये खाना बनाया जाता है तो 40 इंची का बनाया जाता है, 40 या 42 इंची रखा जाता है जो हमारे साइज़ होता है कोट का, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। और अपना जो बड़ा सामान रखना है जैसे ये हमारा 15 इंची है तो ये हमारा 18-20 इंची उसके हिसाब से बना सकते हैं। वैसे ही नीचे है तो अपना देख, तो ये अपना देख सकते हैं। तो उसके बाद अपना ये 3 डोर्स की, अभी हैंडल लगे नहीं है, बाकी काम चल रहा है इसमें। और मैं दूसरा भी खाना दिखा देता हूँ आपको। तो ये जैसे आपको ज़्यादा हैंगर के लिए बनाना है तो उसके हिसाब से जगह अपनी, जैसे आपका डिवाइड होता है डोर्स के हिसाब से जो हमारी जगह प्रॉपर यूज़ हो जानी चाहिए उसके हिसाब से बनाना। और तो ये अपना ड्रॉर है, ड्रॉर इसमें भी हैंडल नहीं लगा, तो इसका जो साइज़ रखना आपको ये अंदर से देख सकते हैं, लैमिनेट है इसमें, आप लैमिनेट लगा सकते हैं, लैमिनेट लगाना ज़रूरी होता है। और नीचे भी लैमिनेट देख सकते हैं अपना, तो नीचे से भी यानी कि लैमिनेट चारों साइड से होना चाहिए, अपना साइडों से भी, ये साइड से भी दिखा दो, टेलीस्कोप की चैनल लग रही है इसमें। और इसकी जो हाइट रखनी है 6 इंची, सामान के हिसाब से अपने जितना सामान आपको हाइट में लगाना उस हिसाब से बना सकते हैं। नीचे अपना जैसे आपको सेट होती है सेट टांगने के लिए बना सकते हैं, 36 इंची खाना बनता है नीचे वाला, 36 या 35 इंची जो हमारी साइड का साइज़ होता है, 36 या 35 इंची उसके हिसाब से साइज़ रख सकते हैं। ये अपना तो इधर का देख सकते हैं, इसमें भी ये हमारा 18 इंची के बॉक्स बना रखे, 18 इंची के बॉक्स बनाने आपको ये अपने जो 20 इंची इस तरीके से, तो ये हमारे 18 इंची के उसके हिसाब से अपना बना सकते हैं, ये अपने 12-12 इंची के बॉक्स बना सकते हैं। और ये अपना जैसे कोट टांगने के लिए, अगर आपको जो कोट टांगना कोट टांगने के लिए, या साड़ी टांगने के लिए ये अपने ड्रॉर दे सकते हैं। इसकी जो हाइट रखनी है आपको ड्रॉर की 5 या 6 इंची, ये देख सकते हैं अंदर से, ये बिना चैनल की है और ये अपनी चैनल वाली है, इसमें अंदर से भी लैमिनेट है इसमें और नीचे भी लैमिनेट है इसमें। और टक्करों पर ये टेप है, अंदर वाइट लैमिनेट है, इसमें जो अपना वाइट लैमिनेट होता है तो उसके अंदर जो रोशनी ज़्यादा नज़र आती है और उसमें देखने में भी अच्छा लगता है अगर आपको वाइट लैमिनेट लगानी है। तो ये मैं बाहर से डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको, जो हमारा वाटर का डिज़ाइन है। तो ये 3 डोर्स की, 2 डोर्स वाली चैनल थी उसमें 3 डोर्स चलाना आपको, तो ये एक अपना एक ही उसमें चलेगा लाइन में और ये बाहर से आपके 2 डोर्स चलेंगे। 3 डोर्स की बनानी है आपको अगर आपको ज़्यादा बजट, क्योंकि ये 3 डोर्स की जो चैनल होती है उसका जो बजट होता है वो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, तो वो कंपनी की हैपले की आती है, बाकी हैटिक में भी आती है। ये आपकी 2 डोर्स वाली है जिसमें हमने 3 डोर्स चला रखे हैं। ऊपर आपको लाइट के लिए कोप बनाने, लाइट के लिए कोप बना सकते हैं, एक बार इधर से दिखा दो पास में आकर, अगर आपको लाइट की ज़रूरत होती है तो लाइट के हिसाब से अपना बना सकते हैं। ये 5 इंची चौड़ा और इसकी जो हाइट है 2-2.5 इंची, जो लाइट का साइज़ हो उसके हिसाब से। ये टीवी पैनल है, अगर आपको टीवी पैनल बनाना, तो अभी टेपिंग हटी नहीं है क्योंकि अभी वाइट वॉश का काम बाकी है इसमें, जो पेंट का काम, तो उसके हिसाब से अपना देख सकते हैं। ये अपना ड्रॉर है, एक बार पास में आके दिखा दो, तो इसमें भी अपने अंदर लैमिनेट है वाइट और ये अपना डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको बनानी है तो इसमें जो ड्रॉर का साइज़ है 5-5 इंची हाइट में अपना बना सकते हैं। ये डिज़ाइन है,
एक दो जैसे इसमें बड़ी है तो वैसे इसमें बड़ी है, उसके हिसाब से बना सकते हैं 5 इंची, और अपना डिज़ाइन के हिसाब से इसके लेबल से आपको ग्रुप लेना। ये अपना बाहर करके बनाना आपको, एक बार पास में आकर दिखा दो, ये बाहर करके बनाना आपको, और ये जो आपको बनाना होता है जैसे बाहर करके, तो अपना देख सकते हैं इसके हिसाब से इसके अंदर हमारे तार निकल जाते हैं। जैसे आपको स्विच बोर्ड ये अपना लग जाएगा टीवी के लिए, यहाँ से हमारे जो वायरिंग है टीवी की वो पीछे से चली जाएगी और यहाँ पे अपना उसमें प्लग में लग जाएगी उसके हिसाब से। और ये जो ग्रुप देना आपको 1.5 इंची चौड़ा दे सकते हैं, इसमें दूसरे कलर का माइक अपना वुडन वाला, बाहर अपना वाइट है, ये 12-12 इंची के ये जो पीस है 12-12 इंची, जो भी आपका डिवाइड होता है उस हिसाब से अपना डिवाइड कर सकते हैं। और ये हमारा जो काउंटर साइज़ है इसका 12 इंची बोल से बना सकते हैं, तो इसकी जो हाइट है 18 इंची है, और ये अपना 6-6 इंची डोर बना सकते हैं, 6 इंची है 7 इंची के ये दो डोर आप दे सकते हैं इसमें। तो इसमें अभी टेप लगी हुई है तो इस वजह से अभी ये थोड़ा सा वो है, बाकी फिनिशिंग में दिखा दूँगा आपको जब इसकी वुडन फ्लोरिंग जो लगेगी फर्श की, तो उसके बाद अपना डिज़ाइन दिखा दूँगा। इसका जो साइज़ है आपका टीवी पैनल का 7 फिट हाइट अपने अलमारी के लेवल से 7.5 यार्ड जो भी बनाते हो आप इसके लेवल से बना सकते हैं जैसे आपका वार्डरोब होता। और ये जो वार्डरोब का साइज़ है हमारा इसका 11 फुट चौड़ाई है इसकी, और इसकी जो हाइट है 7.5 फिट उसके हिसाब से बना सकते हैं। बाकी मैं आपको ड्रेसिंग का भी डिज़ाइन, ये ड्रेसिंग है हमारी, अपना ड्रेसिंग दे सकते हैं, इसके ऊपर अपने स्लाइडिंग डोर्स हैं, सॉफ्ट क्लोज चैनल लग रही है इसमें भी, तो हैंडल अभी लगे नहीं है तो थोड़ा सा टाइट है, खोलने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। और ये इसमें लाइट लगेगी, ये बॉक्स बनाना आपको अगर लाइट लगानी है ड्रेसिंग के ऊपर, और अपने ये सेल्फ लगा सकते हैं सामान के हिसाब से 7 इंची 12 इंची, जैसे ये पिलर है पिलर के लेवल के हिसाब से, जो भी पिलर का अगर आपका ऐसा पिलर आता है तो उसके लेवल से बना सकते हैं। नीचे अपना बॉक्स देख सकते हैं, ये जो ड्रेसिंग का साइज़ है इसका शीशे का 3 फुट चौड़ाई है, जगह के हिसाब से अगर आपको बाहर से बंद करना है तो डोर्स भी लगा सकते हैं इसमें, बंद हो जाएगा अंदर का आपको ड्रेसिंग का करना। ये अपनी ड्रॉअर है 6-6 इंची की, 6 इंची हाइट में, और इसकी जो चौड़ाई है 15 इंची, चार ड्रॉअर बना रखी है। और ये अपना अगर आपको सी बनानी है तो इसके जो हाइट देनी है थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर आप इसको पतला भी कर देते हो वो भी ठीक लगता है, तो इसके हिसाब से अपने डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हैं। तो इसमें स्पेस ज़्यादा था उसके हिसाब से ये मोटाई इस हिसाब से दे रखी है। देखिए अपना ड्रेसिंग का डिज़ाइन अगर आपको बनाना है तो उस हिसाब से बना सकते हैं। इसकी जो हाइट रखनी होती है शीशे की, हमारी फर्श से रखी जाती है 6.5 फुट हाइट, ऊपर का जो शीशे का लेवल होता है ऊपर लाइटें लगेंगी। बाकी इसमें अपना देख सकते हैं डिज़ाइन, और ये टीवी पैनल का डिज़ाइन अपना देख सकते हैं इसमें भी, अगर आपको बनाना है तो उस हिसाब से ले सकते हैं। तो इसमें अपनी जो फिनिशिंग है वो बाकी बात मैं दिखा दूँगा मैं आपको, अगर आपको बनाना है। ये वार्डरोब का डिज़ाइन आपको बनाना, तो इसमें ये माइका का डिज़ाइन डाल रखा हमने इस बीच में, ये माइका में कटिंग करके आप इसको लगा सकते हैं, ये बीच में डिज़ाइन डाल रखा ये कटिंग करके अपना माइका में, तो इस हिसाब से ये अपने विषय भी पन्नी लग रही है। बाकी इसकी फिनिशिंग देख सकते हो अगर आपको फिनिशिंग देखनी है जो एंड की, तो आपको ये कटर मशीन से कटिंग करके अपना लगा सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का कुछ वीडियो देखना है किस तरीके से कटिंग होती है तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, इस तरीके से लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगता वीडियो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, अपना रखिए ख्याल, थैंक यू फ्रेंड।